बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं सोनिया गुजरी व्लॉग्स। तो गाइस आज हमारा व्लॉग हुआ है गाड़ी से स्टार्ट। घर से हमने स्टार्ट किया नहीं क्योंकि हम पैकिंग में इतनी बिजी होगी मैं कि मैं पैकिंग के चक्कर में भूल गई व्लॉग्स भी शूट करना। इन्होंने तो टाइम दे दिया कि 2 घंटे में तैयार हो जा फटाफट। टाइम तो मेरे को पता था लेकिन कि इस टाइम तक निकलेंगे, पर क्या है ना घर का 1 घंटा पहले जमे पड़े हैं। 2 बजे निकलना, 10 बजे टाइम देना पड़ेगा, जब 11 बजे निकलेंगे। तो घर का काम भी और पैकिंग भी और तैयार होना भी और खाना वगैरह बनाना करना सब कुछ इतना होगा। वो तो मैं सुबह आज 5 बजे की खड़ी हुई हूँ क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल गए थे। अब हम जा रहे कहाँ वो दिखाएंगे हम आपको आगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जा रहे बच्चों को लेने स्कूल से। बच्चों को स्कूल से पिक करके फिर निकलेंगे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे। और तो चलो चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। इधर करा रहे हैं हम टैंक फुल क्योंकि हम निकल रहे हैं आज लंबे रूट पे। और साहब जी इधर रेडी। राम राम। तो गाइस हम जा रहे हैं आज लंबे रूट पे निकलते हुए। और पहले मैंने दिखाया नहीं कि इनको कोई भरोसा ना आया क्योंकि ये शॉपिंग के लिए इन्हें इतने तंग करे है कि बस क्या बात है। टाइम तो मुझे होवे ना, बहुत भाग दौड़ रहे हैं। टाइम को क्या है ना भाई, हमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्या करें। और हमारा क्या है कि अगर यू कह देना कि मंदिर चलो शॉपिंग हम पे तो ये ना है, हम पे तो वो ना है। तो गाइस हम थैंकफुल करा रहे हैं इधर। बात काट दिया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी साइड पर और अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहां से क्या चक्कर आए। बस ये तो समझ आ गया दर्जी ना है। पार्किंग है ना सारी, पहले जब हम आए तब तो बस कॉलम ही खड़े हो रहे थे। ये इधर लिफ्ट लगेगी यहाँ पे, नहीं लिफ्ट का भी नहीं है। ये क्या है यहाँ पे? ओह अच्छा ये है लिफ्ट, इधर ये लिफ्ट के लिए इधर ना जाऊंगी तुम्हें। ये इधर लिफ्ट के लिए छोड़ दी हूँ और ये इधर जीना जा रहा ऊपर। और ये हमारे बाबू जी टैंक वहाँ खुद आएगा। एक वहाँ पे जो ये खड़ा गड्ढा इधर दो गेट लगेंगे। तो गाइस हम जा रहे थे कहाँ, बच्चे ने स्कूल लेना, लेकिन हम पहुंच गए पहले अपनी साइड पे। डूब गिर जाएंगे तुम तो। अरे तो देख के नीचे देखे कैसे गड्ढे हो रखे है। ठेकेदार को थोड़ा साफ वगैरह करना है पैसे वगैरह, तो इसलिए आगे हम यहाँ अब जाएंगे हम बच्चे लेने के लिए, फिर मिलते हैं आपको स्कूल में जाके। तो गाइस हम पहुंच चुके छतरपुर मंदिर के पास अभी फिलहाल, और टाइम हो गया है हम चले गए ना अपनी साइड पे तो उसके चक्कर में टाइम हो चुका है 11:15। हाँ जी 11:15 मुझे 11 दिख गया हूँ पीछे का ना दिख। तो गाइस टाइम हो चुका है 11:15 और हम हो गए बच्चों के लिए लेट। और ये देखिए इधर प्यारा सा मंदिर हमारी माता रानी का, लेकिन हमें दिखा के नहीं लेके आते कभी। तो चलो जल्दी से फटाफट पहुँचते हैं हम बच्चों को लेने के लिए। और अरे भाई आराम से देख के देख ही ना रहा अगला बंदा जा रहा है। तो चलो चलते हैं और साथ के साथ आप भी दर्शन कर लो अभी फिलहाल बाहर से ही। किसी दिन आएंगे बच्चों को लेके रात में, क्योंकि अंदर से तो ये वाला इधर वाला मंदिर से खुलेगा। हाँ ये हमारे बाबा जी अंदर वाला मंदिर तो खुलता है सिर्फ नवरात्रों में, किस दिन लेट नाइट आएंगे 8-9 बजे तब तक सब घूम के जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल के पास। कौन सा हॉस्पिटल है जरा बताना जरा, जिसने तेरी जान बचाई फोर्टिस।
हाँ जी, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के पास, बस स्कूल बस पहुंचने वाले हैं। एंट्री भैया खोल दो खोल दो खोल दो, अभी पूछेंगे ना पहले ये भैया यहाँ पर करते हैं, पता करेंगे कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, तब अंदर सोसाइटी में एंट्री मिलती है। और ये बच्चे देखो आज क्या हालत हो रखी है, हमारे भी ऐसी पाए तो फिर क्या करेंगे भाई, हैं जी ऐसी पाएंगे तेरे भी कौन से तेरे पे, तो फिर हम उन्हें कौन नहलाएंगे, सारे रंग में रंगे पड़े हैं भाई। तो गाइस बच्चों ने देखो क्या उधम उतार रखा है, हाँ होली मना रहे हैं, लास्ट डे ना स्कूल में, तो ये देखो क्या हाल हो रखा है, सारे बच्चे रंग रंगे पड़े, कौन रह गए पता नहीं कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, तो आप कॉल करो, कॉल मॉन्टी बेटा, साफ है तो यू तो साफ है। हेलो हेलो होली, हाय आपको ही बेटा ज्यादा होली चढ़ी, मैं तो आ रहा हूँ लगा दिया, किसने लगाया, दोस्त फ्रेंड्स फ्रेंड्स ने, बच्चों की मस्ती देख लो क्या चल रही है, और सब रंग बिरंगे पड़े हैं। गाइस बच्चे कर रहे चेंज गाड़ी में ही, बोल दे तो कलर में और रखा, हम रुक गए इधर यहाँ पे कट टूल टैक्स है इधर, और इनके भी चुके पैर, मैं लोअर पैर का हूँ और जींस में पैर बैठा, ये परेशान हो गए जूते में पहन के, ये टाइट वाली डाल ली इन्होंने, और बच्चों ने कर लिया चेंज अपने कपड़े, और मुंह हो ना हाईवे ऐसे लग रहा है एयरपोर्ट हो, तो ऐसे ही लग रहा है पीछे एयरपोर्ट हो और ये इधर रनवे बन रहा हो, पता नहीं भाई मैंने देखो तो होना चोट, तो चलो चलो हाँ जी चले। तो गाइस हम चल दिए फिर से, और अब रुकेंगे कहाँ पे, चाय वगैरह पीने के, जहाँ हाईवे पे थोड़ा बहुत दिखेगा ऐसे बना रखे हाईवे पे, अभी आगे दिखाते फ्रंट कैमरा से। तो गाइस देखो कितने प्यारे रोड बन रखे हैं, पता नहीं भाई मैं तो ऐसे देख वजह से वैसे विदेशों में है, मैं वहां गया था तो रेस्ट एरिया बना के आगे जाकर तेल छोटे मोटे चीजें पांच मिनट रह गए अलग बना रखे, कैसे पहले मैंने उस रास्ते पे देखे, ये सेकंड टाइम देख रही हूँ मैं, जो जैसलमेर गए ना हम तब, हाँ है ना उधर बन रहे हैं सर रेस्ट एरिया, और ये देखो खेती अभी कट चुकी है कुछ, और ये इधर गेहूँ खड़े हैं सर सब खेत कट चुके हैं सारे लगभग। गाइस देखो हम कहाँ आ गए पहाड़ों में, अभी किला आएगा यहाँ पहाड़ में देखिए अभी, और ये पहाड़ कहाँ के हैं जो जानते हैं बताइए कमेंट करके, कहाँ के हैं सामने कोई नहीं पता, एक किला है किला दिखाऊंगा, चलो तो कौन कहता है हिमाचल में पहाड़ है भाई, ऐसी बात नहीं है, प्यारे लग रहे बहुत, ऐसे बन रहे हैं जैसे सच्ची में ये पानी की लहर सी दिख रही है, हाँ समुद्र में लहर सी आती रहे ना, ये थोड़ी हमें साइड वैसे दिख रही है, अगर उधर से हमें दिखती है ना ये आती बार जब ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे लहर ऐसे लहराती हुई आ रही है, ये देख ऐसा ना सार और ही पहाड़ है सार, ये ना थोड़ा सा ही है, ये कहते थे हजारों लाखों साल पहले ये सब पानी के नीचे है सब,
हो सकता है भाई। आपने देखा था सर गाइस बच्चे सोने लगे, ये देखो मेरी छोटी बेटी सोने लगी है, बड़ी बेटी पता नहीं क्या करी दिख नहीं रही, जाग रही है बड़ी बेटी। और हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं हमें खुद ही नहीं पता, हाईवे पे चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। वैसे पक्का हमें बता रही है कहाँ पे है, पक्का ही बता रहे हैं 30-40 किलोमीटर आसपास ही है। तो गाइस हम ना व्लॉग बना रहे हैं, एक पुलिस वाले ने देखी कि ये वीडियो बना रही है, उसने भाग के मास्क अपना कवर करो और सवारी हटवाने लगो, अभी वैसे खड़ा हुआ है और जो इसने देखी ना उसने सोची कि वीडियो बना रही है, कभी तेर भी बना ले, उसने फटाफट से मास्क लगाया और फेस कवर करके और लग गो अपने काम पे। ये देखो ये पुलिस इधर की इधर आ रही है, एक ये देखो ऐसी पुलिस है। चलो हमारी दिल्ली की होती है तो करा देती उथल पुथल सारा ट्रैफिक हटवा देती। आएगी तरक्की से ऐसे जाएगी थोड़ा थोड़ा देर कैसे हो, अभी तो फिलहाल ट्रैफिक वाला नजारा चल रहा है जो हम देख रहे थे हमारा तिरंगा झंडा। हाँ जी तो यहाँ पे ये रैली निकल रही है खाटू श्याम जी की, जय हो, इसने भीड़ करी हुई है। ऊंट घोड़े पूछो किसी से किस चीज की, रणथंभौर जाने के लिए यहाँ से होता है रणथंभौर स्टार्ट, ये सब जल्दी जा रहे देखते हैं। यहाँ से तो थोड़ा ट्रैफिक कम भी हो गया और सर में दर्द बहुत ज्यादा तेज जुलम वालो जबरदस्त वालो, और मार्केट अभी कुछ आई नहीं रही अच्छी सी, अब मेरे को तो लगे अच्छी कुछ आएगी भी नहीं, लगता है आपको तो चलो ये मार्केट देखो कैसी है, ये मार्केट तो ऊपर आएगी ना सारा मॉल ताना ना, तो मैं मॉल खरीद रही हूं तो बंदी छान बंदी खा रही हूं, किधर की मार्केट ऐसी है। गाइस लोकेशन देखो ऐसे आगे था ऐसा वो दिख रहा है पहाड़ बिल्कुल कैसा आप बताना जरा याद करके। हाँ जी हरिद्वार से ऋषिकेश इसको दिखा है, हाँ बिल्कुल सही मेरा अंदाज कैसा लगा, साथ ही जाओ आप भी मेरे तो कहीं जैसे पहाड़ नहीं है और कहीं पहाड़ है ही नहीं। और ये मार्केट है यहाँ की, कहाँ पहुँच गए फिलहाल अभी हम, लाल सॉट लाल सॉट गाने चल रहे हैं घर देखो ये फोर साइड ओपन बिल्कुल। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं राजस्थान, हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का गांव पता नहीं कौन सा है, जिला तो शोपुर है, गांव का नाम क्या है ओछापुरा,
ओछापुरा। तो गाइज हम जा रहे हैं एमपी में ओछापुरा, दौसा जिला के ओछापुरा गांव में। इनका फ्रेंड है उनके गांव जा रहे हैं। तो गाइज इनके फ्रेंड है उनके घर जा रहे हैं, उनके गांव में मतलब कि, और उनके कुछ फंक्शन है वहां पे जा रहे हैं। और अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कहाँ, हम है राजस्थान। राजस्थान को फिर से फास्ट अभी हम पहुंचने वाले कुछ देर में चंबल की घाटी में, आप दिखाएंगे आगे चल के चंबल। तो आज आपको चंबल की नदी दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। और देखो गाइस अभी तो हम पहुंचे भी ना हैं एमपी, अरे कैसे उबड़ खाबड़ से रास्ते आने लगे, ऐसे फिल्म में देखी है ना हमने, है ना जी, चंबल नजदीक आ रहा है। हाँ हाँ उबड़ खाबड़ रास्ते। इस यहाँ से ले रहे हैं अमरूद, ये ले लिए हमने, बस पैसे दे के आ रहा। आ जा, आ तो जा पीछे से पहले। यहाँ से लिए अमरूद क्योंकि भैया भूख लगने लगी है, शाम के बज के है 6 बज गए, ये देखो शाम के बज चुके हैं 6 और भूख लग रही है भैया। अब ले लिए हमने अमरूद, अब हम अमरूद खाएंगे, तब तक हम पहुँचेंगे। तो यही अभी इलाका आप देख लीजिए, इलाके अभी कुछ मार्केट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इलाका चल रहा है। देखो यहाँ से लिए बाग है ना इधर अमरूदों का, अमरूद के बाद स्टार्ट हो गया। देखिए कितने मोटे मोटे, देखिए चेक करता हूँ कैसे सारे नगे जा रहे हैं, एक एक ले लो फिर ना सारे गिर जाएंगे। खड़ो है ठीक है। मसाला भी कैसा है, नमक और लाल मिर्च लगाई हुई है। तो गाइस सब हो गया यहाँ से जंगल स्टार्ट, और देखो हिरण दिखी मेरे को फिर से, और जंगल में हिरण भालू शेर चीते भगेड़े सब है। और देखिए यहाँ पे तो घर भी बने हुए हैं, घर ना मंदिर है, पहाड़ देखो कैसे यहाँ पे मिट्टी कैसे पहाड़ है ना। हाँ जी मिट्टी है, पहाड़ क्यों भाई मिट्टी लग रही है, पत्थर है। और यहाँ पे खड़ा होना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भालू आ जाते हैं और हम भी देखते जा रहे हैं। हम भी दो हाथ कर ही लेंगे मिल जाएगा। हाँ। कह रहा है कि मैं एक भालू लेके आऊंगा मैं, ये एक ही पत्थर है, ले लग रहा भालू के लिए बोर्ड लग रहे हैं। बनानी है वीडियो बनानी भाई, देखो गाइस यहाँ पे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ जहाँ पे अलाउड नहीं है ना, ये देखो हिरन तो खड़े इधर वो दिख रहा है, जहाँ पे अलाउड नहीं वहाँ पे कह रहे हैं कि वीडियो बना ले, एक आध बनानी है, एक आध रील बना ले बनानी है। हाँ मैं तेरे खड़ा हूँ, जो आ गए ना कोई ना आ रहा नहीं जी भाई ऐसा डरा हुई है, चल मैं तेरे क्या लूँ, मैं भी तो खड़ा रहूँगा बाहर, रिस्क लेके बनानी है क्यों, मैं देखता रहूँगा, जान है तो जहान है, रील के लिए रियल लाइफ डेंजर में नहीं डालनी। हाँ जी तो गाइस हम पहुंच गए लगभग शोपुर, और हमारे ना गाड़ी का फास्ट टैग भी खत्म हो चुका है क्योंकि पेटीएम का था ना ये। तो गाइस हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी जगह है ये वाली, ये है सवाई माधोपुर क्रॉस कर लिया। तो हम बनवा रहे हैं यहाँ पे फास्ट टैग अपना, हमारा फास्ट टैग हो चुका है बंद पेटीएम का, बच्चे गए वॉशरूम, और ये देखें हम कहाँ पे खड़े हैं, चारों साइड खेत ही खेत हैं। अभी बताना कितना टाइम और लगेगा, कितना आधा घंटा लग जाएगा, एक घंटा
आधा घंटा लगेगा, एक घंटा जाने। ये देखो ये गाने चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम, अब उतार रहे सामान। तो ये है फाइनली शोपुर में, ये है ये वाला, ये बस ये वहां तक है। तो गाइस ये विष्णु भैया की बिल्डिंग है। तो चलो भाई चलो। तो गाइस हम आ गए हैं फाइनली, अब करेंगे हम रेस्ट। ये है हमारा होटल। गेट खुला करके गए हो आप, स्मेल हो रही है। अरे हटो ना एक साइड, एक तो ऐसे कुश्ती करने लगे। तारे हो गई गाइस, ये किचन है हमारा, इतने बर्तन। ओ माय गॉड गाइस, मेरे हस्बैंड जी का प्रमोशन देख लीजिए, मेरे हस्बैंड जी के पोस्टर एमपी तक लगे हुए हैं। वाओ। तो गाइस हम आए हैं फाइनली एमपी, मैंने शायद पहले पता नहीं बताई है या नहीं बताई, हम आए हैं एमपी में, एमपी के श्योपुर जिले में। यहाँ पे विष्णु भैया का प्लॉट है, उनके यहाँ पे आए हुए हैं हम। तो ये उनकी बिल्डिंग है जिसमें हम हैं, और उन्हीं के घर पे फंक्शन है, हम उन्हीं के घर पे आए हुए हैं। लेकिन गांव उनका और आगे है, यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर इलाका है जो जंगल जंगल एरिया है, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए, हमने यहीं पे स्टे कर लिया आज। और तो अब हम रुकेंगे यहीं पर, बच्चे जा रहे हैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, और उसके बाद जाएंगे हम बाहर डिनर करने के लिए, और उसके बाद दिखाएंगे आपको यहाँ की मार्केट छोटी बहुत है, थोड़ी बहुत क्लिप दिखाएंगे क्योंकि व्लॉग वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब मिलेंगे मार्केट में जाके। तो गाइस हम आगे खाना खाने, खाने में मंगवाई हमने एक सेब की सब्जी और सेब भाजी, एक पनीर है, पनीर कौन सी है, शाही पनीर, इसमें भी डली हुई है, और एक दाल मंगवाई है, सादा रोटी। तो कटोरिया है गाइस, शोर देखो कितना हो रहा है, और बच्चे भूखे हैं बिल्कुल, टूट पड़े हैं एकदम से। और सब्जी पता नहीं, देखने में तो मुझे तो अच्छी लगना रही है वाली, तो मैंने इसके लिए मना की, खाने का टेस्ट है मैंने ट्राई करें, आपने मंगवाई है पहले, मैं ट्राई कर लूँ एक बार, किसी में कर लूँ, अगर अच्छी लगी तो आ लूँ। गाइस हमने मंगाई है रोटी, सिंपल रोटी दाल चार ले आओ, और साथ में छाछ, और हम खा लेते हैं फिर उधर बाद में। मैं जब हर बार एमपी आऊंगा इसी ढाबे पे आऊंगा, ये घर जैसा खाना है, बिल्कुल सिंपल है। गोल्डी तो ये दूध पसंद है, रसमलाई, ये भैया रसमलाई है, बादाम से, हाँ जी
मैं तो एक चमचम लूंगी, एक चमचम भैया, एक चमचम लगा दें आप लोग। एक लो, दो पीस कर दो भाई, दो पीस कर दो। ये अलग अलग कैसे भैया, ये कैसे रसगुल्ले ये वाले और ये वाले? ये तो गुलाब जामुन है, और ये वाले काला जामुन? काला जाम, काला जामुन है। मैंने तो ये लिया अपने लिए, बच्चों ने लिया अपने लिए बादाम शेक। कैसा है? चम्मच ले लो। बाहर बैठ के खाएंगे। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। हवा कैसी लग रही है? फ्रेश फ्रेश बिल्कुल है ना। चलो धीमे धीमे, ठंड ना हो ऐसे। मैंने तो ले लिया अपना मीठा, तो कहाँ से पतला हूँ बेटा? काट ना ले, वो चीर लिया भाई। हम भी खा ले, देखे कैसे खा रहे हैं। गप्पा गप्पा हमें ना खा दे रहे।